हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी सम फंक्शन के बारे में। और ये डी सम फंक्शन कैसे काम करेगा ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक फील्ड डाली हमने आईडी, जिसे मैंने ऑटो नंबर रखा है, और ये ऑर्डर आईडी जिसे मैंने नंबर रखा है, और एक अमाउंट है जिसे हमने करेंसी डेटा टाइप बनाया है। इन दोनों को हमने प्राइमरी की बनाया है, लेकिन इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर पाएंगे, लेकिन आईडी में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंटर कर पाएंगे। ठीक है, यहां से व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ये व्यू पे क्लिक कर दिया हमने, और यहां पर अब ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी हम 101 रखते हैं, और यहां पर अमाउंट डाल देता हूं 6000 डाल दिया। अब यहां पर ऑर्डर आईडी 102 और अमाउंट डाल दिया 5000, एंटर प्रेस किया, और ऑर्डर आईडी 103 और यहां पर अमाउंट डाल दिया 6700। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर आईडी 101 फिर से मैंने डाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेस करता हूँ 101 और यहाँ पर अमाउंट आ गया 7000। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ 103 ऑर्डर आईडी है और अमाउंट है 700। ओके, फिर यहाँ पर आएंगे तो 101 ऑर्डर आईडी डाला हमने और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 6000। ये हमारे पास एक टेबल हमने बना ली है, इसको सेव कर लेता हूं मैं। सेव करने के बाद हमें कहां जाना है, क्रिएट में जाना है, और यहां से सिंपली मैं फॉर्म पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। हमें इसे डिजाइन व्यू में ले लेना है। यहां से डिजाइन व्यू में ले लीजिए, एक को सेलेक्ट कीजिए और यहां से इसको साइज छोटा कर लीजिए। ये साइज छोटी हो गई, यहां से इसको हम नीचे कर लेंगे ड्रैग करके। और अब यहां पर डिजाइन पे जाएंगे और यहां से टेक्स्ट बॉक्स चूज करेंगे और यहां ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे तो यहां पर ये इस तरह से आ जाएगा। यहां पर इसका नाम हम चेंज कर देंगे, हम यहां पे टोटल कैलकुलेट करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, उसमें कितने रुपए का सामान ऑर्डर हुआ है। ठीक है, ये हम यहां पे चेक करेंगे। इसको भी मैं बना देता हूं टोटल, ये टेक्स्ट 11 लिखा हुआ आ रहा है तो यहां टोटल लिख देता हूं। और अब यहां पर फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो यहां पर क्लिक कीजिए और थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए। इज इक्वल टू डी सम फंक्शन यूज करेंगे हम, डी सम लगा दिया। यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहां लिख दिया हमने अमाउंट कॉमा दिया। ये किस टेबल से पिकअप होगा, तो डी सम नाम का एक टेबल हमने बनाया है, उसी टेबल से ये पिकअप होगा। तो ये डी सम भी हमने ले लिया, कॉमा दिया। अब यहां पर हमें चूज करना है ऑर्डर आईडी, तो यहां लिखा हमने ऑर्डर और फिर आईडी, ऑर्डर आईडी लिख दिया। इज इक्वल टू कौन से ऑर्डर आईडी की बात कर रहे हैं, 101, इसी की हम बात करेंगे। और इस ऑर्डर आईडी पर कितने रुपए का सामान ऑर्डर हुआ है इसकी हम बात करेंगे, ये टोटल करके हमें दे देगा। ओके प्रेस करेंगे, ये इस तरह से फॉर्मूला हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं इसको। इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूं, अब ये आपको ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहां से आपको व्यू पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो 101 नंबर की ऑर्डर आईडी से पर्टिकुलर 19000 रुपए का सामान ऑर्डर हुआ है। कैसे पता, यहां पे देखिए, यहां पे कैलकुलेट करिए, ऑर्डर आईडी 101 है 6000, फिर यहां पर देखिए ऑर्डर आईडी 101 है तो 7613000 हो गया, और फिर यहां पर ऑर्डर आईडी 101 है तो यहां पर आ गया कुल मिलाकर के 19000, 13 और 6 19। ठीक है, इस तरह से ये डी सम फंक्शन काम करता है। इसमें हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग वाली वीडियोस देखनी है तो आगे चल करके मैं प्रोग्रामिंग वाली वीडियोस भी बनाऊंगा, तो ये इस तरह से काम करेगा। अगर इसमें आप चाहते हैं कोई और फील्ड इसमें वो भी उसका भी टोटल होकर आए, तो यहां पर राइट क्लिक करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, कॉपी कर लिया, यहां पर ये आ जाएगा। इसको ड्रैग करके नीचे खींच करके ले आएंगे और यहां पर हम ये जो ऑर्डर आईडी डाला है हमने 101, इसको हम कर सकते हैं 102, कर सकते हैं 102 कर दिया हमने। ठीक है, आप चाहे तो कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं यहां से। इस बार हम 102 ऑर्डर आईडी की बात कर रहे हैं, फिलहाल टोटल ही रहने देते हैं और यहां से व्यू पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं जो ऑर्डर आईडी 102 है उनका जो है 5000 रुपए का कुल मिलाकर के अमाउंट उनके पास आया है ऑर्डर आईडी 102 के थ्रू। ठीक है, और आईडी 101 के थ्रू 19000 का सामान आया है। इसके बाद अगर हम यहां पर कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे सपोज कीजिए
यहां पे लिखा हमने ऑर्डर आईडी 102 की बात कर लेते हैं और यहां पर 6000 रुपए इसमें और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और यहां से इसको सेव करता हूं, सेव कर दिया। अब चलते हैं यहां पे, यहां पे देख सकते हैं 6000 रुपए हमने इंक्रीज किया है। अब इस फॉर्म को सेव करके और क्लोज करेंगे, डीसम नाम से ही इसको सेव कर लेता हूं मैं और इसको अब क्लोज कर देता हूं। अब जब इस फॉर्म को दोबारा से हम ओपन करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर 11000 रुपए आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर फिर इसमें कुछ हम इंक्रीज करते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर ऑर्डर आईडी 102 की ही बात कर लेते हैं हम, यहां पर देखिए इसमें अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूं मैं, 6000 रुपए और इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। इंक्रीज किया तो क्या इस पे कोई असर पड़ेगा, यहां पे देखिए यहां पे 11000 आ चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये जो है 17000 हो जाएगा, यानी कि ये अमाउंट जो है इंक्रीज हो गया। इसी तरह से जो भी आपको करना हो डीसम फंक्शन का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बहुत ही आसान है और प्रोग्रामिंग भी बहुत आसान है। प्रोग्रामिंग को रिलेट करके मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा आगे चल करके। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।